हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ एक करी। सबसे पहले हम लोग क्या क्या चाहिए करी के लिए? टमाटर चाहिए, प्याज चाहिए, अदरक चाहिए, धनिया पत्ता चाहिए, तेजपत्ता चाहिए, लौंग, इलायची चाहिए, गरम मसाला चाहिए। दो अंडा ले लीजिए। उसके बाद एक कुकर ले लेना है। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है आपको। इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए। ये दोनों अंडा को इसमें डाल दीजिए फ्राई होने के लिए। आप देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई हो गया है, कलर भी आ गया है। इसको एक प्लेट में हम लोग निकाल लेंगे। देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गया है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसमें एक बड़ा सा लहसुन भी डाल दीजिए, क्योंकि ठंडा का मौसम आ रहा है। लहसुन खाना बहुत ज़रूरी होता है सर्दी खांसी में। देखिए गरम मसाला भी डाल दी हूँ, इलायची भी डाल दी हूँ। इसको अच्छे से भून लीजिए आप लोग। इसको थोड़ा सा लाल होने दीजिए, कलर आ गया देख सकते हैं। उसके बाद इसमें प्याज डाल देना है। तेज पत्ता भी डाल देना है। इसको अच्छे से चला लीजिए। इसको कवर करके रख दीजिए पकने के लिए। आप देख सकते हैं प्याज धीरे धीरे ब्राउन कलर में हो रहा है। देखिए प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है। इसको थोड़ा सा और ब्राउन कर दीजिए। प्याज जितना भुनिएगा उतना कलर आता है। उसके बाद इसमें टमाटर डाल दीजिए। इसको भी अच्छे से चला लेना है। इसको भी 4-5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दीजिए। इसको बंद करके छोड़ दीजिए 5 मिनट के लिए। बीच बीच में चलाते रहिएगा, नहीं तो जलने लगेगा। आप देख सकते हैं प्याज टमाटर बहुत अच्छे से भुना गया है। आप लोग ऐसा बनाने के लिए ट्राई कीजिए एक बार। और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, करी मसाला भी डाल दीजिए, जीरा मसाला डाल दीजिए, गरम मसाला भी डाल दीजिए, धनिया मसाला डाल दीजिए, मिक्स मसाला भी डाल दीजिए। इसको अच्छे से चला लीजिए और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। ज़्यादा मत डालिएगा, हल्का सा, क्योंकि भुनने के लिए थोड़ा सा ही पानी काफ़ी होता है। अगर आप लोग ज़्यादा पानी डालिएगा तो उसमें टाइम लग जाएगा मसाला गलने के लिए। इसलिए स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा पानी डालिएगा। आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा ही पानी डाली हूँ और इसको भूनने के लिए छोड़ दीजिए 5-7 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से पक रहा है, कलर भी आ रहा है मसाला में। सॉरी गाइस, मैं प्रेशर कुकर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, इसलिए मैं चेंज कर दी हूँ। इस सस्पेन में ही ग्रेवी को ले ली हूँ, इसमें फ्राई कर रही हूँ। इसमें जो लहसुन है वो अच्छे से पक गया है। लहसुन का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और इसके बाद इसमें दो अंडा डाल दीजिए आप।
इसको भी 3-4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दीजिए। आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये ऑलरेडी मसाला काफ़ी अच्छे से पक गया है, देख लीजिए बहुत अच्छे से पक गया है। ऐसा लग रहा है होटल से भी अच्छा बना होगा जरूर गाइस। प्लीज़ आप लोग इसे ट्राई कीजिए बनाने के लिए, होटल से अच्छा अपने घर पे बनाइए, खाइए स्वादिष्ट खाना।